तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना प्यारे, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नया स्टेटस एडिटिंग वीडियो को लेकर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और रहा गाइस इस वीडियो को हम काइन मास्टर से ही बनाने वाले। और अगर जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगता है उस पर आपको एलाइट मोशन पर भी एडिटिंग चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे वीडियो का कोई भी सॉन्ग अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एलाइट मोशन पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप ये काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर दूंगा। अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई में ये दे दूंगा। ओके सो गाइस अब देखो काइन मास्टर में ना आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, आपको सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है और नीचे जाने के बाद फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको 0.5 सेकंड कर देना। ओके सो यहाँ पे जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन है इसको आपको 0.5 पे लेकर आना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। 44 से लेकर 48 इमेज के आसपास आपको फोटो लगने वाला है यहाँ पे, तो मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर मैं आपको बता आगे आपको क्या करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेना, जितना मैंने बोला था उतना ही सिलेक्ट करना है आपको। मैंने थोड़ा कम ही सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको बताना है और आपको पूरा स्टेटस वीडियो बनाना होगा, तो उसके लिए आपको उतना फोटो सेलेक्ट करना ही होगा जितना मैंने आपको बताया 44 से लेकर 48 के बीच। ओके सो गाइस यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्लिक करना है ऑडियो पे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो ऑडियो को डाउनलोड करना। और हाँ गाइस ये ऑडियो तो ये ऑडियो फाइल में जाएगा, वीडियो फाइल में नहीं जाने वाला, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन सा ऑडियो कौन सा वीडियो। ओके सो आप जो ऑडियो को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे एडिट कर लेना। ओके सो ये ऑडियो को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। अब गाइस ऑडियो एड करने के बाद सबसे पहले पहला इमेज का लेंथ बढ़ा के आपको थोड़ा सा आगे यहाँ जो बीट दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेके आ जाना है, मतलब इसका जो लेंथ है आपको 7.80 सेकंड के आसपास रख लेना। अब गाइस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है आगे। सो गाइस अब आपको जाना है 10.300 सेकंड पे। ओके तो यहाँ पे देखो मैं आगे जा रहा हूँ और आपको इसी प्रकार से स्लाइड करना है और 10.300 सेकंड जहाँ पे वहीं पर आपको जाना है। ओके सो सॉरी गाइस मेरा जो ऑडियो है आपको कहीं कहीं थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा, इसका कोई रीजन है, तो आपको 10.300 सेकेंड पे यहाँ पे जाना है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे 290 सेकेंड ही था, मैं 3 से बोल रहा था, 290 सेकेंड पर भी आप रख लेना। फिर उसके बाद आपको जाना है आगे 18 सेकेंड पे। ओके 18 सेकेंड पे पूरा जाना है और पूरा 18 सेकेंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे भी एक बीट लगा देना है और इधर भी एक बीट लगा देना है। अब गाइस क्या करना है, इसके बीच में जो इमेज है जैसे कि यहाँ से अब सभी इमेज का लेंथ आपको 1 सेकंड से ऊपर ऊपर करके ऐसा करके रख देना। ओके 1 सेकंड से ऊपर ऊपर करना है इस प्रकार से, देखो गाइस ऐसे मैं कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको करना है। तो जितना इमेज इसके बीच में आ जाता है उतना इमेज का लेंथ आप 1 सेकंड करके बढ़ा देना। ओके सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार से आपको 1-1 सेकंड करके लेंथ को बढ़ा देना है। तो मेरा जो फोटो आया है वो आया बीच में अराउंड, कितना फोटो मैं दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे जो 7 फोटो यहाँ पे आया। ओके तो इधर हम कुछ भी नहीं करेंगे, इधर नॉर्मल रहेगा। तो इधर आपका फोटो अगर एड करना पड़ता है तो आप फिर भी एड कर लेना, लेकिन आपको जो फोटो ड्यूरेशन यहाँ पे सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग में जो फोटो ड्यूरेशन है ये 0.5 ही होना चाहिए, इसको आप इधर उधर मत करना और जो मैं आपको बताया उसी प्रकार से आप एडिटिंग करना तो ही आपका जो वीडियो है परफेक्ट बनेगा। ओके अब गाइस आपको क्या करना है, शुरू में जो पहला इमेज है इसमें क्लिप ग्राफिक्स एड नहीं करना है। और हाँ 10 सेकेंड तक जो हम क्लिप ग्राफिक्स यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कॉल मीडिये, और 10 सेकंड के बाद जो क्लिप ग्राफिक्स यूज़ करेंगे उसका नाम है स्वीट लिस्ट। और ये दोनों क्लिप ग्राफिक्स को आप बीट सीन्स ऐप से ही इंस्टॉल कर सकते हो, काइन मास्टर में तो आपको नहीं मिलने वाला है। सो आप बीट सीन्स अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता ऐप कोई भी इफ्यार्ट को या कोई भी क्लिप ग्राफिक्स को, सो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वो वीडियो को जाके देख सकते हो। ओके वहाँ पर लिखा होगा हॉट इंस्टॉल कॉल मीडिये वीडियो, आप देख लेना। ओके सो अब करना क्या है, देखो शुरू के जो आपके 6 से 7 फोटो है उसमें आपको कॉल मीडिया से पहले 4th वाला सेलेक्ट करिए, मतलब करना है जिस प्रकार से मैंने किया था उसी प्रकार से आपको करना है। ओके तो शुरू के 7 से 8 फोटो में कॉल मीडिया से 4th वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यार देखो, आप लोग बोलते हैं कि काइन मास्टर पे वीडियो बनाओ और कुछ लोग बोलते हैं कि एलर्ट मोशन पे वीडियो बनाओ, तो मैं क्या करूँ यार, एलर्ट मोशन पे वीडियो तो बनाया था कोई देखा ही नहीं, तो इसलिए काइन मास्टर पे डाउनलोड, बट एलर्ट मोशन पर भी वीडियो आ जाएगा, कोई नहीं आती रहेगी, मतलब दोनों पे मिक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस देखो, इसमें सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना कुछ फोटो में, ओके, कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला क्रियोग्राफिक्स को यहाँ पे कुछ फोटो में सेलेक्ट कर लेना है। अब गाइस देखो, इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट कर लिया कुछ फोटो में, और उसके वजह से आप कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप कॉल मी डीजे से 1 नंबर वाला भी सेलेक्ट कर लेना कुछ फोटो में, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो उसके बाद कुछ फोटो में आपको कॉल मी डीजे से 1 नंबर वाला सेलेक्ट करना है, और कुछ फोटो में कॉल मी डीजे से 3 नंबर वाला। तो इधर 10 सेकंड तक जहाँ पे मैंने बीट मार लगाया था वहाँ तक हम कॉल मी डीजे से ही सेलेक्ट करेंगे कोई भी इफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पे एड करते हैं ना, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब गाइस मैं जो है यहाँ पे कॉल मी डीजे से 3 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा फोटो यहाँ पे बचा नहीं है, तो लेकिन आप थोड़ा मैनेज करना, उसे अच्छे से एडजस्ट करना। अब गाइस इधर जो हमने 1 सेकंड लेन रखा है इमेज में, जो 18 सेकंड तक जो हमारा इमेज है, सभी में आपको स्वीट लिस्ट ऐड करना है 5 नंबर वाला, ओके। सो कौन सा इमेज में, 10 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक जो इमेज है, इसका लेन हमने बनाया था 1 सेकंड 1 सेकंड किया था, उसमें आपको कॉल में सॉरी गाइस स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला क्रियोग्राफिक्स को ऐड करना है सभी में, ओके। और हाँ गाइस, हमने लेंथ बनाया था तो हमें जो है क्रियोग्राफिक्स का भी लेंथ यहाँ से बनाना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना, ऐसे नहीं मत छोड़ देना, वरना आधा मतलब आधा फोटो में क्रियोग्राफिक्स रहेगा, आधा में नहीं रहेगा। सो आप इसको लेंथ बढ़ा देना इस प्रकार से, ओके, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको सभी में कॉल सॉरी गाइस स्वीट लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना 5 नंबर वाला, ओके। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ तक आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आगे जो इमेज मिलेगा उसमें भी आपको देखो, मैंने लड़की का फोटो सेलेक्ट कर लिया था यार लड़की के बीच में। सो अब इधर देखो क्या करना है, पहले कुछ फोटो में आपको सेलेक्ट करना है, जो कि सेलेक्ट करना है आपको स्वीट लिस्ट से 19 नंबर वाला, जो कि 19 नंबर पे, ओके, जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेलेक्ट करना है, जो बहुत ही ओपी लगता है मेरे को, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सो आप भी सेलेक्ट करना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू के 5 से 6 इमेज में अभी वाला सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस आगे मैं कुछ और फोटो दूसरा क्लिप ग्राफिक्स एड करता हूँ, जैसे कि 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला उतना अच्छा मेरे को नहीं लगता, फिर भी ठीक ठाक है, बट आप एड कर लेना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आप एड करोगे ही करोगे, ओके। सो उसके बाद आपका इमेज बचेगा, उसमें आप कोई नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो क्लिप ग्राफिक्स आप एड कर लेना। मैं अभी नाम आपको बता दे रहा हूँ, मतलब एड टू करना है स्वीट लिस्ट से ही, लेकिन देखो आपको या तो 7 नंबर वाला एड कर लेना है, या तो आपको सेलेक्ट करना है 13 नंबर वाला, इसी सब में कोई सेलेक्ट करना, ये सब जो है 6 नंबर 8 नंबर ये सब नहीं सेलेक्ट करना, ओके। अब गाइस इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको शुरू में आ जाना और लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो एफआर वीडियो को यहाँ पे एडिट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर गाइस आपको अगर लव स्टेटस एडिटिंग चाहिए ना, मेरे को कमेंट कर देना, मैं सेकंड चैनल पे वीडियो डाल दूंगा जस्ट, और आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, तो मजाक कर रहा हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखो, इसका जो है सबसे पहले आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, मैं कुछ और बोलता कुछ करता हूँ, और ये लाइफ फेयर वीडियो को एड करना है, और इसका जो यहाँ पे साइज को बढ़ा के इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है, इसमें कोई ऑडियो होगा तो उसको म्यूट कर देना, ओके। तो मैंने 2 एड किया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस मेरा वीडियो बन के तैयार हो चुका है, अब मैं वीडियो को थोड़ा सा पहले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बनाए। सो गाइस एडिटिंग तो सेम होता है, बस थोड़ा सा सॉन्ग चेंज कर लेते हैं, कोई नहीं। सो गाइस फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।